आज देश का बजट प्रस्तुत आदरणीय वित्त मंत्री जी ने किया। मध्य प्रदेश से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 29 सांसदों की सौगात प्रदेश की जनता ने दी। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी पे से विश्वास हटा था और अंतिम सांसें लेते हुए जैसे तैसे कैसे उनकी सरकार बनी सर्वविदित है। पर इस बजट में मध्य प्रदेश के उस भावना के साथ धोखा किया गया। 29 सांसद मिला क्या? बहुत प्रोपोगेंडा किया गया था निर्भया फंड का। राजधानी है मध्य प्रदेश महिलाओं के अत्याचार की, किसानों की आय को लेकर, किसानों की इनकम को लेकर बजट बड़ी बड़ी बातें कही गई थी। 2700 और 3100 के धान और गेहूं के दाम की गारंटी थी, मोदी गारंटी। मध्य प्रदेश को झुंझुना मिला। 100 स्मार्ट सिटी बनाने का बड़ी बड़ी बातें थी, अब 100 औद्योगिक सिटी बनाएंगे। पहले 2 करोड़ लोगों को रोजगार, युवाओं को रोजगार देने की बात थी, अब कह रहे हैं 4 करोड़ को देंगे। 80 लाख अलग अलग तरीके से विस्तृत की गई। महंगाई दुनिया में सबसे ज्यादा कहीं है, पाकिस्तान और बांग्लादेश से तो देश में, हमारे देश में है। बेरोजगारी दुनिया के सब देशों में सबसे ज्यादा कहीं है तो भारतवर्ष में है। जिस तरीके से बजट का प्रस्तुतिकरण हुआ, मैसेज है, पहले सिंगल झूठ में काम चलता था, अब डबल झूठ से बजट का बखान हो रहा है। डबल झूठ की यह सरकार, कांग्रेस की नकल करना चाहती थी घोषणा पत्र की, ढंग से नकल भी नहीं कर पाए। मैं थोड़े से मैं इतना कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के साथ इस बजट में छलावा हुआ है, उस भावना का अनादर हुआ, अपमान हुआ है जिसमें 29 के 29 सांसद बीजेपी को मिले हैं। और मुझे शर्म आती है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, यहाँ के कृषि मंत्री, यहाँ के और भी मंत्री हैं मंत्रिमंडल में, वो चाहे ज्योतिराज सिंधिया जी हो, चाहे शिवराज सिंह जी चौहान हो, चाहे अन्य कोई हो, कोई भी रक्षा नहीं कर पाया मध्य प्रदेश के हितों की। ये लोगों को सिर्फ अपना पद लेना है और उसको जीना है, एंजॉय करना है। पर मध्य प्रदेश की वो जनता, गरीब जनता जिन्होंने इन पे विश्वास किया, उसके बच्चों के भविष्य को का जब गला रौंदा जाता है तो ये रिएक्शन नहीं देते हैं, ये हिल नहीं पाते हैं, ये बोल नहीं पाते। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी का सीधा भावना है कि मध्य प्रदेश के साथ इस बजट में धोखा हुआ है। धन्यवाद। ऐसा है कि जैसे आदिवासियों पर लगातार इस सरकार का कुठाराघात जारी है। कांग्रेस से जो लोग गए उनको मलाई और पद, मंत्री पद और विभाग, और जो बीजेपी के परंपरागत लोग थे उनके साथ अन्याय और अत्याचार। ये भारतीय जनता पार्टी के उस कार्यकर्ता को विचार करना है कि ये सत्ता की हवस कितनी है इस भारतीय जनता पार्टी में। नागर सिंह चौहान जी के साथ ये व्यवहार आदिवासियों के अपमान का हिस्सा है, उन आदिवासियों के साथ जिन्होंने इनको भरपूर समर्थन दिया। वो चाहे बेकलाक के पद हो, चाहे आदिवासी बहनों पर अत्याचार हो, चाहे किसी भी प्रकार का आदिवासी क्षेत्र के छात्रवृत्ति का घोटाले हो या उनकी पूर्णता नहीं हो, चाहे आदिवासी जो बजट है उसकी कमी हो, सब तरीके से आदिवासियों को बार बार एक तरह से ये बताया जाता है कि आप दोयम दर्जे से आपके साथ व्यवहार होगा।